हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेमा व्लॉग एंड कुकिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं साबूदाना की खिचड़ी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने 1 कप ऑफ साबूदाना ऐड कर लिया है। साबूदाना ऐड कर लेने के बाद हम लोग उसे 3 घंटे के लिए भिगाने को रख देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे अच्छी तरह सोख हो गए हैं। सो गाइस, चलिए अब हम हमारी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल जिसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 कप ऑफ साबूदाना। साबूदाना ऐड कर लेने के बाद यहाँ मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ पीनट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पीनट ऐड कर लिया है। पीनट ऐड कर लेने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चलिए मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ पहले। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ हम लोग ले लेंगे एक बेसन जिसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ घी, 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन। और अब हम इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा करी लीव्स ऐड कर लेंगे। करी लीव्स ऐड कर लेने के बाद हमें थोड़ा इसे कुक कर लेना है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ मैं, जिसे मैंने पीस लिया था। सो अब मैं इसे पहले रोस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। रोस्ट कर लेने के बाद अब मैंने इसमें बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बॉइल्ड पोटैटो ऐड करके हम लोग पहले बॉइल्ड पोटैटो को कुक कर लेंगे। तो गाइस, चलिए मैं पहले पोटैटो को कुक कर लेती हूँ। पोटैटो को कुक कर लेने के बाद अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।